हाय गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज देखिए एक्स्ट्रा काम मेरा कौन सा है, तो मैं धनिया पाउडर, ये जो हम मसाले बार एक साल के भरते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मिर्ची का पाउडर लाती हूँ, हल्दी का पाउडर बना के लाती हूँ, पर धनिया में पूरा अक्का स्टोर करती हूँ। और उस धनिया का पाउडर भी 15 दिन 20 दिन चले उतना ताज़ा ताज़ा मैं बनाती हूँ। तो हमें क्या करना है, धनिया का तो स्टोर करके हमने रख दिया उसके अंदर पारे की गोली डाल के, तो पॉलीथीन में पैक करके जो 3-4 किलो धनिया है वो हमने पॉलीथीन की थैली में पैक करके डब्बा भर के रख दिया। अब हमें क्या करना है, तो समझो आज मेरा धनिया पाउडर खत्म हो गया है, तो मैंने पहले इसे रोस्ट किया। समझो 3 कटोरी मेरे ये धने थे, तो उसके अंदर 1 कटोरी मैंने जीरा लिया, तो ये मेरा हो जाएगा जीरा और धने का पाउडर, मतलब जो घर पे बना हुआ है। तो इसे पहले मैंने थोड़ा रोस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सेक दिया, क्योंकि सीजन मौसम ऐसी है ना कि थोड़ा आप रोस्ट कर दोगे तो आपके जो पाउडर है वो खराब नहीं होगा और अच्छा बनेगा, धने अच्छे पीस सकते हो आप। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई में रोस्ट कर दिया था और अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ पाउडर। देखिए आप भी, तो ये रहा पाउडर। तकरीबन बन गया है, और एक बार थोड़ा चला लेते हैं। तो गाइस देखिए घर का बना हुआ धाने और जीरे का पाउडर रेडी हो गया। तो आप भी इस तरह घर में देखिए, ये मेरा धाना पाउडर बनके रेडी हो गया है ना। तो आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए। बाहर के जो हम पैकेट लाते हैं वो पैकेट हमें महंगे पड़ते हैं, तो अगर इस तरह से हम घर में, और देखिए इतनी मस्त खुशबू भी आती है, घर का ताजा मसाला हम बना के परिवार को खिला सकते हैं। तो इसको थोड़ा रोस्ट कर दिया, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू, और मैं हमेशा है ना 15-20 दिन का ही ताज़ा ताज़ा बना के ताज़ा ताज़ा मसाला रखो, आप देखेंगे कि आपकी सब्जी का स्वाद है, जो आपको टेस्ट है उसमें आपको फर्क आप जरूर महसूस करोगे। तो बस इसी तरह जितना हो सके मैं उतना घर का बना बना के काम चलाती हूँ। मुझे तैयार पैकेट के मसाले कम पसंद आते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।